शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है सबको थामने वाला। उसने ऐ नबी तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की थी। ये दो किताबें उसने पहले नाजिल की थीं लोगों की हिदायत के लिए, और फिर कुरान जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और अल्लाह जबरदस्त है बदला लेने वाला है। अल्लाह ऐसा खबीर और बसीर है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही तो है जो मां के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ऐ पैगंबर, वही तो है जिसने तुम पर यह किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं, और वही असली किताब है, और बाज दूसरी मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तबा करते हैं ताकि फितना बरपा करें और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और जो लोग इल्म में गहरी नजर रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाए, ये सब आयात हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं, और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो उसके बाद हमारे दिलों में कजी ना पैदा कर दीजो, और हमें अपने हाथ से रहमत अता फरमा, तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। ऐ परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा, बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। जो लोग काफिर हुए उस दिन न तो उनका माल ही अल्लाह के अजाब से उनको बचा सकेगा, और न उनकी औलाद ही कुछ काम आएगी, और ये लोग आतशे जहन्नम का ईंधन होंगे। इनका हाल भी फिरौनियों और इनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की थी, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब अजाब में पकड़ लिया था, और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मगलूब हो जाओगे, और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाओगे, और वो बुरी जगह है। तुम्हारे लिए दो गिरोहों में जो जंगे बद्र के दिन आपस में भिड़ गए, कुदरत इलाही की अजीम शान निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा गिरोह काफिरों का था, वो उनको अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहिदा कर रहा था, और अल्लाह अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। जो अहले बसारत हैं उनके लिए इस वाकये में बड़ी इबरत है। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं, और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहां बागात बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीजा बीवियां हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा, और हमको दोजख के अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात में सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और नेकी में खर्च करते और औकात सहर में गुनाहों की मुआफी मांगा करते हैं। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में कि वो इंसाफ का हाकिम है, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तिलाफ किया तो इल्म हासिल होने के बाद आपस की जिद से किया, और जो शख्स अल्लाह की आयतों को न माने तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ पैगंबर, बस अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगे तो कहना कि मैं और मेरे पैरों तो अल्लाह के फरमाबरदार हो चुके, और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी अल्लाह के फरमाबरदार बनते और इस्लाम लाते हो। बस अगर ये लोग इस्लाम ले आए
तो बेशक हिदायत पा लें, और अगर तुम्हारा कहा ना माने तो तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते और अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं, और जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उन्हें भी मार डालते हैं, उनको दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये ऐसे लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं, और इनका कोई मददगार नहीं होगा। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब यानी तौरात से हिस्सा दिया गया, और वो इस किताबुल्लाह यानी कुरान की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि ये उनके तनाजुआत का उनमें फैसला कर दे। तो एक फरीक उनमें से फिर जाता है और मुंह फेर लेता है, ये इसलिए कि ये इस बात के कायल हैं कि दोजख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी, और जो कुछ ये दीन के बारे में बोहतान बांधते रहे हैं उसने इनको धोखे में डाल रखा है। तो उस वक्त क्या हाल होगा जब हम इनको जमा करेंगे, यानी उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं, और हर नफ्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है, और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क बख्शता है। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाए, और जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह का कुछ अहद नहीं। हां, अगर इस तरीक से तुम उनके शर से बचाव की सूरत पैदा करो तो मजायका नहीं, और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है, और अल्लाह ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि कोई बात तुम अपने दिलों में मख्फी रखो या उसे जाहिर करो, अल्लाह उसको जानता है, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है उसको सबकी खबर है, और वह हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकी को मौजूद पा लेगा और अपनी बुराई को भी देख लेगा तो आरजू करेगा कि ऐ काश उसमें और उस बुराई में दूर की मुसाफत हो जाती, और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है, और अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है। कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, बस अगर वो न माने तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह ने आदम और नूह और खानदान इब्राहिम और खानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में से मुंतखब फरमाया था, उनमें से बाज की औलाद थे, और अल्लाह सुनने वाला है जानने वाला है। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं इसको तेरी नजर करती हूं, इसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तू तो सुनने वाला है जानने वाला है। फिर जब उनके यहां बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी कि परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है, जबकि अल्लाह खूब जानता था जो उनके यहां विलादत हुई थी, और न होता लड़का मानंद इस लड़की के। और कहने लगी, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। तो उसके परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया, और जकरिया को उसका कफील बनाया। जकरिया जब कभी इबादतगाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहां से आता है? वो बोली कि अल्लाह के यहां से आता है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार को पुकारा, अर्ज की कि परवरदिगार, मुझे अपनी तरफ से औलाद सवाले अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने वाला है। चुनाचे वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो कलेमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रगबत न रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकुकारों में होंगे। जकरिया ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरे यहां लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं और मेरी बीवी बांझ है? फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है,
जकरिया ने कहा कि परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। फरमाया, तुम्हारी निशानी यह है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात न कर सकोगे, तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह शाम उसकी तस्बीह करना। और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह ने तुमको बरगुजीदा किया है और तुम्हें पाक बनाया है और दुनिया जहान की औरतों में से तुमको मुंतखब किया है, ऐ मरियम अपने परवरदिगार की फरमा बरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। ऐ नबी, ये बातें अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वो लोग अपने कलम बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम का कफील कौन बने, तो तुम उनके पास नहीं थे और न उस वक्त ही उनके पास थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह तुमको अपनी तरफ से एक कलमे की बिशारत देता है जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा इब्ने मरियम होगा, और जो दुनिया और आखिरत में आबरूमंद और मुकर्रबीन में से होगा, और मां की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से यकसा गुफ्तगू करेगा और नेकूकारों में होगा। मरियम ने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहां बच्चा क्यों कर होगा कि किसी इंसान ने मुझे हाथ तक तो लगाया नहीं। फरमाया कि अल्लाह इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है, जब वो कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है, और वो उसे किताब हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म अता करेगा। और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा हो जाता है, और पैदाइशी अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूं, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूं, और जो कुछ तुम खाकर आते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो सब तुमको बता देता हूं। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है, और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूं, और मैं इसलिए भी आया हूं कि बास चीजें जो तुम पर हराम थीं उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूं, और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा ने उनकी तरफ से इनकार और नाफरमानी ही देखी तो कहने लगे कि कोई है जो अल्लाह का तरफदार और मेरा मददगार हो? हवारी बोले कि हम अल्लाह के तरफदार और आपके मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहे कि हम फरमाबरदार हैं। ऐ परवरदिगार, जो किताब तूने नाजिल फरमाई है हम उस पर ईमान ले आए और तेरे पैगंबर के मुत्तबे हो चुके, तू हमको मानने वालों में लिख रख। और वो यानी यहूद कत्ल ईसा के बारे में एक चाल चले और अल्लाह ने भी ईसा को बचाने के लिए तदबीर की, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर कयामत तक फायक व गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते रहे उस दिन तुम में उनका फैसला कर दूंगा। अब जो काफिर हुए उनको दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अल्लाह पूरा पूरा सिला देगा, और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ऐ नबी, यह हम तुमको अल्लाह की आयतें और हिकमत भरी नसीहतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। ईसा का हाल अल्लाह के नजदीक आदम का सा है कि उसने पहले मिट्टी से उनको बनाया, फिर फरमाया कि बाशऊर इंसान हो जा, तो वो वैसे ही हो गए। ये बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें उसके बाद कि तुमको हकीकत मालूम हो ही चुकी है, तो उनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और बेटियों को बुलाएं, तुम अपने बेटों और बेटियों को बुलाओ, और हम खुद भी आए और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ और इल्तिजा करें, इस तरह झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। ये तमाम बयानात सही हैं, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह गालिब है साहिब हिकमत है। बस अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह मुफसिदों को खूब जानता है। कह दो कि ऐ अहले किताब, जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान
यकसा तस्लीम की गई है उसकी तरफ आओ, वो ये कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाएं, और हम में कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना कारसाज न समझे। फिर अगर ये लोग इस बात को न माने तो इनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। ऐ अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी हैं और वो पहले हो चुके, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? देखो, ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम न तो यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और उसी के फरमाबरदार थे और मुशरिकों में न थे। इब्राहिम से ज्यादा कुर्ब रखने वाले तो वो लोग हैं जो उनकी पैरवी करते रहे, और ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और वो लोग जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह मोमिनों का कारसाज है। ऐ अहले इस्लाम, बाज़े अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि किसी तरह तुमको गुमराह कर दें, हालांकि ये तुमको क्या गुमराह करेंगे, अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और नहीं जानते। ऐ अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों इनकार करते हो और तुम तौरात को मानते तो हो? ऐ अहले किताब, तुम सच को झूठ के साथ खल्त मल्त क्यों करते हो और हक को क्यों छुपाते हो जबकि तुम जानते भी हो? और अहले किताब का एक गिरोह अपने आदमियों से कहता है कि जो किताब मोमिनों पर नाजिल हुई है उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आया करो और उसके आखिर में इनकार कर दिया करो, ताकि वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाएं और अपने दीन के पैरों के सिवा किसी और की बात का यकीन न कर लेना। ऐ पैगंबर, कह दो कि हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। वो ये भी कहते हैं, ये भी ना मानना कि जो चीज तुमको मिली है वैसी किसी और को भी मिल सकती है, वरना वो तुम पर तुम्हारे रब के रूबरू हुज्जत कायम कर देंगे। ऐ पैगंबर, कह दो कि बुजुर्गी अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, इल्म वाला है, वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। और अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके पास दीनारों का ढेर अमानत रख दो तो तुमको फौरन वापस दे दे, और कोई इस तरह का है कि अगर उसके पास एक दीनार भी अमानत रखो तो जब तक उसके सर पर हर वक्त खड़े ना रहो तुम्हें दे ही नहीं, ये इसलिए कि वो कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हमसे मुआखजा नहीं होगा। ये अल्लाह पर महज झूठ बोलते हैं और इस बात को जानते भी हैं। हां, क्यों नहीं, जो शख्स अपने इकरार को पूरा करे और परहेजगार बना रहे तो अल्लाह भी परहेजगारों को दोस्त रखता है। जो लोग अल्लाह के इकरारों और अपनी कस्मों को बेच डालते हैं और उनके एवज थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं, उनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, उनसे अल्लाह न तो कलाम करेगा और न कयामत के रोज उनकी तरफ देखेगा और न उनको पाक करेगा, और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और इन अहले किताब में बाज ऐसे हैं कि किताब यानी तौरात को जबान मरोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं ताकि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ते हैं किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता, और कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता, और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और ये बात जानते भी हैं। किसी आदमी को शाया नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुकूमत और नबूवत अता फरमाए फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ, बल्कि उसको यह कहना चाहिए कि ऐ अहले किताब, तुम रब्बानी हो जाओ क्योंकि तुम किताब की तालीम भी देते हो और क्योंकि पढ़ते पढ़ाते रहते हो, और उसको यह भी नहीं कहना चाहिए कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को माबूद बना लो। भला जब तुम मुसलमान हो चुके तो क्या वो तुम्हें काफिर होने को कहेगा? और जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दानाई अता करूं फिर तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे तो तुम्हें जरूर उस पर ईमान लाना होगा और जरूर उसकी मदद करनी होगी, और अहद लेने के बाद पूछा कि भला तुमने इकरार किया और इस इकरार पर मेरा जिम्मा लिया यानी मुझे जामिन ठहराया, उन्होंने कहा हां हमने इकरार किया, फरमाया कि तुम इस अहद पैमान के गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। अब जो लोग इसके बाद फिर जाएं तो वही बदकिरदार हैं, फिर क्या ये काफिर अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन के तालिब हैं? हालांकि सब अहले आसमान और जमीन खुशी या नाखुशी से अल्लाह के फरमाबरदार हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं।
कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल हुई और जो सहीफे इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतरे और जो किताबें मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया को परवरदिगार की तरफ से मिली सब पर ईमान लाए। हम इन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी अल्लाह के फरमाबरदार हैं और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। अल्लाह ऐसे लोगों को क्यों कर हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए और पहले इस बात की गवाही दे चुके कि ये पैगंबर बरहक है और उनके पास दलाइल भी आ गए और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं देता। इन लोगों की सजा यह है कि इन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत है, हमेशा इस लानत में गिरफ्तार रहेंगे। इनसे न तो अजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें मोहलत दी जाएगी। हां जिन्होंने इसके बाद तौबा की और अपनी हालत दुरुस्त कर ली तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जो लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए फिर कुफ्र में बढ़ते गए ऐसों की तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी और ये लोग गुमराह हैं। जो लोग काफिर हुए और कुफ्र ही की हालत में मर गए वो अगर नजात हासिल करनी चाहें और बदले में जमीन भर सोना दें तो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इन लोगों को दुख देने वाला अजाब होगा और इनका कोई मददगार नहीं होगा। मोमिनों जब तक तुम उन चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं अल्लाह की राह में खर्च न करोगे कभी नेकी हासिल न कर सकोगे और जो चीज तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की तमाम चीजें हलाल थीं, बजुज उनके जो याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो यानी दलील पेश करो। अब जो उसके बाद भी अल्लाह पर झूठे इफ्तरा करें तो ऐसे लोग ही बेइंसाफ हैं। कह दो कि अल्लाह ने सच फरमा दिया, बस दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान वालों के लिए मूजिबे हिदायत। इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे और जो इस हुक्म की तामील न करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। कहो कि ऐ अहले किताब तुम अल्लाह की आयतों से क्यों कुफ्र करते हो जबकि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। कहो कि ऐ अहले किताब तुम मोमिनों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो और बावजूद है कि तुम उससे वाकिफ हो उसमें कजी निकालते हो और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। मोमिनों अगर तुम अहले किताब के किसी फरीक का कहा मान लोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे और तुम क्यों कर कुफ्र करोगे जबकि तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में उसके पैगंबर मौजूद हैं और जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया वो सीधे रस्ते लग गया। मोमिनों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है और मरना तो मुसलमान ही मरना और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए और तुम आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो कामयाब हैं और उन लोगों की तरह न होना जो मुतफर्रिक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको कयामत के दिन बड़ा अजाब होगा जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से सियाह। तो जिन लोगों के मुंह सियाह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे, सो अब उस कुफ्र के बदले अजाब के मजे चखो। और जिन लोगों के मुंह सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं और अल्लाह अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनों
तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए मैदान में लाया गया है कि तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता, उनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान हैं। ये तुम्हें खफीफ सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी। ये जहां नजर आएंगे तुम देखोगे कि जिल्लत इनसे चिमट रही है बजुज इसके कि ये अल्लाह की पनाह में या मुसलमान लोगों की पनाह में आ जाएं। और ये लोग अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हैं और नादारी इनसे लिपट रही है। ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये इसलिए कि ये नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। ये भी सब एक जैसे नहीं है। इन अहले किताब में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रात के औकात में अल्लाह की आयतें पढ़ते और उसके आगे सजदे करते हैं। वो अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान रखते और अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नेकियों पर लपकते हैं। और यही लोग नेकुकार हैं और ये जिस तरह की नेकी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। जो लोग काफिर हैं उनके माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में उनके हरगिज काम ना आएंगे और ये लोग अहले दोजख हैं कि हमेशा उसी में रहेंगे। ये लोग जो माल दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं उसकी मिसाल आंधी किसी है जिसमें सख्त सर्दी हो और वो ऐसे लोगों की खेती पर जो अपने आप पर जुल्म करते थे चले और उसे तबाह कर दे। और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मोमिनो, किसी गैर मजहब के आदमी को अपना राजदार न बनाना। ये लोग तुम्हारी खराबी में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। इनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है और जो कीने इनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज्यादा हैं। अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं। देखो, तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि इन लोगों से दोस्ती रखते हो हालांकि ये तुमसे दोस्ती नहीं रखते। और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो और ये तुम्हारी किताब को नहीं मानते। और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हा होते हैं तो तुम पर गुस्से के सबब उंगलियां काट काट खाती हैं। इनसे कह दो कि अपने गुस्से में मर जाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। अगर तुम्हें आसूदगी हासिल हो तो इनको बुरी लगती है और अगर तुम्हें रंज पहुंचे तो खुश होती हैं। और अगर तुम तकलीफों की बर्दाश्त और नाफरमानी से किनारा कशी करते रहोगे तो इनका फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सकेगा। ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उसका इहाता किए हुए है। और उस वक्त को याद करो जब तुम सुबह को अपने घर से रवाना होकर ईमान वालों को लड़ाई के लिए मोर्चों पर मौके बमौके मुतय्यन करने लगे, और अल्लाह सब कुछ सुनता है जानता है। उस वक्त तुम में से दो जमातों ने जी छोड़ देना चाहा मगर अल्लाह उनका मददगार था, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ने जंगे बद्र में भी तुम्हारी मदद की थी जबकि उस वक्त भी तुम बेसरो सामान थे। बस अल्लाह की नाफरमानी से बचो ताकि शुक्रगुजार बन जाओ। जब तुम मोमिनों से यह कहकर उनके दिल बढ़ा रहे थे कि क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते नाजिल करके तुम्हें मदद दे। हां, क्यों नहीं, अगर तुम दिल को मजबूत रखो और नाफरमानी से बचते रहो और काफिर तुम पर जोश के साथ दफतन हमला कर दें तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते जिन पर निशान होंगे तुम्हारी मदद को भेजेगा। और उस मदद को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरिया बिशारत बनाया, यानी इसलिए कि तुम्हारे दिलों को उससे इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो गालिब है हिकमत वाला है। ये अल्लाह ने इसलिए किया कि काफिरों की एक जमात को हलाक कर दे या उन्हें जलील व मगलूब कर दे कि नाकाम वापस जाएं। ऐ पैगंबर, इस काम में तुम्हारा कुछ इख्तियार नहीं। अब दो सूरतें हैं, या अल्लाह उनके हाल पर मेहरबानी करे या उन्हें अजाब दे कि ये जालिम लोग हैं। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालों, दुगना चौगना सूद न खाओ
और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो जाओ और दोजख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए और अपने परवरदिगार की बख्शिश और उस बहिश्त की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है और जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है जो आसूदगी और तंगी में अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते और लोगों के कसूर मुआफ करते हैं और अल्लाह नेकुकारों को दोस्त रखता है और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है और जानबूझकर अपने अफाल पर अड़े नहीं रहते। ऐसे ही लोगों का सिला उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा बसते रहेंगे और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है। तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाकयात गुजर चुके हैं तो तुम जमीन में सैर करके देख लो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। ये कुरान लोगों के लिए साफ पैगाम और अहले तकवा के लिए हिदायत और नसीहत है और बददिल न होना और न गम करना। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम्हें जख्म शिकस्त लगा है तो इन लोगों को भी ऐसा जख्म लग चुका है और ये अय्याम जमाना है कि हम इनको लोगों में बदलते रहते हैं और इससे यह भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को जुदा कर दे और तुम में से बास को शहीद बनाए और अल्लाह बेइंसाफों को पसंद नहीं करता और यह भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को पाक साफ बना दे और काफिरों को नाबूद कर दे। क्या तुम ये समझते हो कि बेआजमाइश बहिश्त में जा दाखिल होगे? हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं और यह भी मकसूद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करे और तुम मौत शहादत के आने से पहले उसकी तमन्ना किया करते थे सो तुमने उसको आंखों से देख लिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर ही तो हैं, इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे हैं। भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो उल्टे पांव फिर जाएगा तो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए, उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है और जो शख्स दुनिया में अपने आमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे और जो आखिरत में तालिबे सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह दुश्मनों से लड़े हैं तो जो मुसीबतें उन पर अल्लाह की राह में वाकई हुई उनके सबब उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुजदिली की न काफिरों से दबे और अल्लाह इस्तिक्लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ऐ परवरदिगार हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं मुआफ फरमा और हमको साबित कदम रख और काफिरों पर फतह इनायत कर। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा और अल्लाह नेकुकारों को दोस्त रखता है। मोमिनों अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पांव फेर कर मुर्तद कर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। ये तुम्हारे मददगार नहीं है बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मददगार है। हम अन करीब काफिरों के दिलों में रोब बिठा देंगे क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसकी उसने कोई भी दलील नाजिल नहीं की और इनका ठिकाना दोजख है, वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया यानी उस वक्त जबकि तुम काफिरों को उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहां तक कि जो तुम चाहते थे अल्लाह ने तुमको दिखा दिया, उसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और पैगंबर के हुक्म की तामील में झगड़ा करने लगे और तुमने उसकी नाफरमानी की। बाज तो तुम में से दुनिया के तलबगार थे और बाज आखिरत के तालिब। उस वक्त अल्लाह ने तुमको उनके सामने से हटा दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे और उसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिर कर नहीं देखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे, तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो मुसीबत तुम पर वाकई हुई है उससे तुम गमगीन न हो, और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। फिर अल्लाह ने उस परेशानी के बाद तुम पर तसल्ली नाजिल फरमाई यानी नींद, कि तुम में से एक जमात पर तारी हो गई और कुछ लोग जिनको जान के लाले पड़ रहे थे अल्लाह के बारे में नाहक अय्यामे कुफर किसे गुमान करते थे और कहते थे भला हमारे इख्तियार की कुछ बात है। तुम कह दो कि बेशक सब बातें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। ये लोग बहुत सी बातें दिलों में मख्फी रखते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते थे, कहते थे कि हमारे बस की बात होती तो हम यहां कत्ल ही ना किए जाते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ जरूर निकल आते। इससे गरज यह थी कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बातों को आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको साफ कर दे, और अल्लाह दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। जो लोग तुम में से उहद के दिन जबकि मोमिनों और काफिरों की दो जमातें एक दूसरे से गुथ गईं, जंग से भाग गए, तो उनके बाज अफाल के सबब शैतान ने उनको फिसला दिया था, और यकीनन अल्लाह ने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। मोमिनों, उन लोगों जैसे न होना जो कुफ्र करते हैं, और उनके मुसलमान भाई जब अल्लाह की राह में सफर करें और मर जाएं या जिहाद को निकले और मारे जाएं, तो उनकी निस्बत कहते हैं कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते। ये इसलिए कि अल्लाह उन लोगों के दिलों में अफसोस पैदा कर दे, और जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो जो मालो मता लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है, और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो अल्लाह के हुजूर में जरूर इकट्ठे किए जाओगे। फिर ए नबी, अल्लाह की मेहरबानी से तुम उन लोगों के लिए नर्म मिजाज वाके हुए हो, और अगर तुम बदखू और सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। सो इनको माफ कर दो और इनके लिए अल्लाह से मगफिरत मांगो, और अपने कामों में इनसे मशवरत लिया करो, और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें, और कभी नहीं हो सकता कि कोई पैगंबर खयानत करे, और खयानत करने वालों को कयामत के दिन खयानत की हुई चीज अल्लाह के रूबरू ला हाजिर करनी होगी। फिर हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और उनके साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी। भला जो शख्स अल्लाह की खुशनूदी का ताबे हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की नाखुशी में गिरफ्तार हो, और जिसका ठिकाना दोजख है और वो बुरा ठिकाना है। सब लोगों की अल्लाह के यहां मुख्तलिफ दर्जे हैं, और अल्लाह उनके सब आमाल देख रहा है। अल्लाह ने मोमिनों पर यकीनन एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और उनको पाक करते और उन्हें किताब हिकमत की तालीम देते हैं, और पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे। भला ये क्या बात है कि जब उहद के दिन कुफार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाकई हुई, हालांकि जंगे बद्र में उससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर पड़ चुकी है, तो तुम कहने लगे कि यह आफत हम पर कहां से आ पड़ी। कह दो कि यह तुम्हारी ही शामत आमाल है कि तुमने पैगंबर के हुक्म के खिलाफ किया, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाकई हुई सो अल्लाह के हुक्म से वाकई हुई, और उससे यह मकसूद था कि अल्लाह मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले। और जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या काफिरों के हमलों को रोको, तो कहने लगे कि अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ रहते। ये उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे। मुंह से वो बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है, और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं,
और उनको रिज्क मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि कयामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता जिन्होंने बावजूद जख्म खाने के अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल किया। जो लोग उनमें नेकुकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा सवाब है। जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कि कुफार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर कसीर जमा किया है तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश खुर्रम वापस आए, उनको किसी तरह का जरर ना पहुंचा और वो अल्लाह की खुशनूदी के ताबे रहे, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है, तो अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझ ही से डरते रहना, और जो लोग कुफर में जल्दी करते हैं उनकी वजह से गमगीन ना होना, ये अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में इनको कुछ हिस्सा ना दे, और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफर खरीदा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और काफिर लोग ये ना ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो ये उनके हक में अच्छा है, नहीं बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर लें, आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। लोगों, जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग न कर देगा मोमिनों को इस हाल में जिसमें तुम हो हरगिज नहीं रहने देगा, और अल्लाह तुमको गैब की बातों से भी मुत्तला नहीं करेगा। अलबत्ता अल्लाह अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो, और अगर ईमान पर कायम रहोगे और परहेजगारी करोगे तो तुमको अजर अजीम मिलेगा। जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है बुखल करते हैं, वो इस बुखल को अपने हक में अच्छा ना समझें, वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है। वो जिस माल में बुखल करते हैं कयामत के दिन उसका तौक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा, और आसमानों और जमीन का वारिस अल्लाह ही है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुन लिया है जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। ये जो कुछ कहते हैं हम उसको लिख लेंगे, और पैगंबरों को जो ये नाहक कत्ल करते रहे हैं उसको भी कलमबंद कर रखेंगे, और कयामत के रोज कहेंगे कि सख्त जलन वाली आग के अजाब के मजे चखते रहो। ये उन कामों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेजते रहे हैं, और अल्लाह तो बंदों पर मुतलक जुल्म नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म भेजा कि जब तक कोई पैगंबर हमारे पास ऐसी नियाज लेकर ना आए जिसको आग आकर खा जाए तब तक हम उस पर ईमान न लाएंगे, ऐ पैगंबर उनसे कह दो कि मुझसे पहले कई पैगंबर तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां लेकर आए और वो मोजजा भी लाए जो तुम कहते हो, तो अगर सच्चे हो तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया। फिर अगर ये लोग तुमको झुठला रहे हैं तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं कि उनको भी झुठलाया गया था। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोजख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे, तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और जब अल्लाह ने उन लोगों से जिनको किताब इनायत की गई थी इकरार लिया कि उसमें जो कुछ लिखा है उसे लोगों से साफ साफ बयान करते रहना और उसकी किसी बात को न छुपाना, तो उन्होंने उसको पसे पुश्त फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की। ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है। जो लोग अपने किए हुए कामों से खुश होते हैं और वो काम जो करते नहीं उनके लिए चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी निस्बत ख्याल न करना कि वो अजाब से छुटकारा पाएंगे, और उन्हें दर्द देने वाला अजाब होगा, और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही को है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू कयामत के दिन हमें दोजख के अजाब से बचाइयो। ऐ परवरदिगार, जिसको तूने दोजख में डाला उसे रुस्वा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ऐ परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। सो ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमको दुनिया से नेक बंदों के साथ उठाइयो। ऐ परवरदिगार, तूने जिन जिन चीजों के हमसे अपने पैगंबरों के वास्ते से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा और कयामत के दिन हमें रुस्वा ना कीजियो। कुछ शक नहीं कि तू खिलाफ वादा नहीं करेगा। तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत जाया नहीं करता। तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो, तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह के हां से बदला है और अल्लाह के हां अच्छा बदला है। ऐ पैगंबर, काफिरों का शहरों में ठाट से घूमना तुम्हें धोखा न दे, ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, फिर आखिरत में तो उनका ठिकाना दोजख है और वो बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के हां से उनकी मेहमानी है और जो कुछ अल्लाह के हां है वो नेकुकारों के लिए बहुत अच्छा है। और बाज अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और उस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और उस पर जो उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और अल्लाह के आगे आजिजी करते हैं और अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत नहीं लेते, यही लोग हैं जिनका सिला उनके परवरदिगार के हां तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ अहले ईमान, कुफार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तेकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि मुराद हासिल करो। वाकल्लाहु अल-अज़ीम।